हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड इससे पहले वाली वीडियोस में कर लिया है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है। जो आपका एक्सरसाइज 1.2 है, चैप्टर फर्स्ट है आपका रियल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम इसका फोर्थ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहता है, पढ़ते हैं एक बार। कहता है कि गिवन दैट एचसीएफ 306657 इज 9, तो देन फाइंड द एलसीएम 306 एंड 657। ये कहता है स्टूडेंट कि आपके पास एचसीएफ गिवन है, एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो जो जिस नंबर का आपको एचसीएफ गिवन है, वो नंबर्स आपको सामने दिया हुआ है। कहता है कि 6306 और 657, ये आपके दो इंटीजर्स हैं। इनका अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो वो आपके सामने 9 आता है, ठीक है। यानी इन दो इंटीजर्स का आप एचसीएफ निकालोगे तो आपके सामने 9 आएगा। तो आपको बताना है यही दो नंबर्स का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, क्वेश्चन सेकंड के अंदर, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। जब आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था तो उसको हमने वेरीफाई करना सिखाया था। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है कि आपको वेरीफाई करना, तो उस वेरीफाई मेथड से हम यहां पर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है और वो मेथड क्या था, मैं बताता हूं। तो यहां कहता है कि दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू में एलसीएम, ठीक है। कहता है ये फॉर्मूला है, ये आपकी एक फॉर्मूला है जो कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। तो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट मींस होता है मल्टीप्लाई, और टू नंबर्स यानी जो दो आपको नंबर्स दिए गए हैं, इक्वल होना चाहिए आपका एचसीएफ और एलसीएम, यानी दोनों को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो। तो आपके दो प्रोडक्ट क्या हैं, 306 इंटू में 657, इक्वल होगा, बराबर होगा एचसीएफ, एचसीएफ कितना आपके सामने 9 इंटू एलसीएम, ठीक है। तो यहां होगा 306 इंटू 657। अब आपको पता है स्टूडेंट, यहां पे साइन इधर जाएगा कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाता है, तो साइन हमेशा चेंज होता है, प्लस माइनस में होगा, माइनस प्लस में होता है, और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा। तो यहां आप देख सकते हैं 9 इंटू में एलसीएम, आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो आपके पास जो एचसीएफ 9 है ये जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये यहां आ जाएगा 9 और आपके सामने आएगा एलसीएम, क्लियर। अब आपको पता है डिवाइड करते समय अगर कोई पॉइंट किसी से कट रहा है नंबर्स, तो हम उसे काट देते हैं, काट के देखते हैं कट रहा है नहीं। 3 के टेबल्स में जाएगा, 3 3 9, 3 1 0, 3 2 6, और कट रहा है तो काटेंगे, 3 1 3, 3 3 9 और 3 4 12, ठीक है। आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 102 को 3 से, 3 3 9, 1 2 3 4 12, आपने देखा कट गया ना, तो ये आपके पास 34 मैंने यहां लिख दिया। तो आपके सामने जो आएगा, अब हमें क्या करना है कि 34 इंटू में 657 इज इक्वल टू एलसीएम होगा, ठीक है। आप इनको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका एलसीएम होगा, और यहां पर आप अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आपके पास आता है 2239, ठीक है, 2339 8 आएगा, आप इसे करके देखना, ठीक है। तो 8 आएगा इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत आसान था, बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, जो फॉर्मूला वो याद होगा। तो आप ऐसे सवाल अगर आपके पास आते हैं तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके 2018 सीबीएसई के अंदर पूछा गया था, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करें, ठीक है। और इस जैसे आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, आपको पता है डिजिट चेंज होते हैं, सेम नहीं होता है, तो आपको इसकी क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अगर आपको समझना है तो वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।